मसलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मथुरा के वृंदावन पुलिस ने चेन स्नेचिंग के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। धर्मनगरी वृंदावन में महिलाओं से चेन स्नेचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। सड़क पर चल रही महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की घटना शहर में बढ़ते ही जा रही है, जिसकी शिकायत भी पुलिस को मिल रही थी। मगर शहर में महिलाओं से लूटपाट करने वाले लुटेरे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस इन लोगों की तलाश करती रहती थी, मगर ये इतने शातिर थे कि लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। इनके निशाने पर वो महिलाएं होती थीं जिनके गले में सोने के जेवर होते थे, उन्हें पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। इसी बीच उपनिरीक्षक पविंद्र कुमार को सूचना मिली कि कुछ बदमाश पवन हंस हेलीपैड के पास खड़े हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी मोहन श्याम और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया। भी थे, इनके बच्चे भी थे और इन्होंने मतलब सिंगल पर्सन को टारगेट करते थे। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, झपट्टा मारा, लूटा। हसन के पास एक महिला को इन्होंने कुंडल छीनने का प्रयास किया, हालांकि उसने उनको सफलता नहीं मिली। तो ये बेसिकली स्नेचिंग का काम करते थे। तो वहीं इनका तीसरा आरोपी रामवीर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इन दोनों के पास से सोने के जेवर, दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल इन दोनों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। वहीं तीसरा आरोपी रामवीर की तलाश में पुलिस जुट गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।